हाय फ्रेंड, मिली किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं बनाने जा रही हूँ एनिवर्सरी केक। तो देखिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बीटरूट केक बना रहे हैं, तो मैं आपको बीटरूट दिखाती हूँ। इस तरह का बीटरूट आता है और इसको हम इसका ये पूरा पोर्शन काट के और फिर इसको पेस्ट बनाएंगे। इस तरह से जड़ होती है, ये जड़ में होता है। मैंने दो लिया है, एक बड़ा थोड़ा मीडियम साइज है और एक छोटा है। और मैंने बटर लिया है, ये 150 ग्राम बटर है और ये 200 ग्राम के करीब चीनी है और ये 1 पाव के करीब मैदा लिया है 2 कटोरी में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको मैं एक निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसको हम इसका पोर्शन निकालेंगे। इसका हम पहले तो ये ऊपर का हिस्सा निकाल लेंगे। ये देखिए ये रेड कलर का होता है और बस हम इसको छीलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ये जो रेड पोर्शन है इसको रहने देंगे, बाकी सब छील लेंगे। इसी तरह हम दोनों छील लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको छील लेंगे और छीलने के बाद जैसे इसको उठाया और उसको बीच से कट किया। इसके बाद ऐसे ऐसे काट लेंगे। ये बहुत हेल्दी होता है बीटरूट, और अगर जिसका ब्लड वगैरह कम है शरीर में उसको दिया जाए तो उसका अच्छा रहता है, और जिसका प्लेटलेट वगैरह घटा हुआ है उसको दिया जाए तो भी अच्छा रहता है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए हमने बीटरूट को पीस लिया है बढ़िया से और ये बहुत बारीक भी हो गया है। मैंने इसको पीसने के लिए मैं पानी तो डाल नहीं सकती थी क्योंकि इसको हमें केक बनाना है इससे, इसलिए मैंने इसमें दूध डाला है 3 से 4 चम्मच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बटर इसमें ले लेंगे, बटर हमें पिघला हुआ लेना है और इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं, आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं। आइसिंग शुगर के अंदर हम चीनी के अंदर हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे तो वो आइसिंग शुगर के काम आता है। तो चलिए अब हम इसको अब हम इसके अंदर धीरे धीरे मैदा ऐड करेंगे। एक एक चम्मच करके हम इसके अंदर मैदा ऐड करते जाएंगे, या तो आप पूरा कटोरी एक कटोरी का डाल दीजिए। बस इसको अच्छे से बीट करना है। एक चम्मच हम इसके अंदर वेनिला एसेंस डालेंगे, एक चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैं छोटा चम्मच ली हूँ इसलिए मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और मैं इसके अंदर ¼ टीस्पून मैं इसके अंदर मीठा सोडा डालूंगी, यानी कि बेकिंग सोडा डालूंगी। अब मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है मैंने 1/4 चम्मच, और अब मैं इसके अंदर ये बीटरूट का जो हमने पीस के लिया है ये डाल देंगे। अब हम इसको बीट कर लेंगे पूरे को लेके। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। देखिए मैंने स्पेशुला से इसको मिक्स कर दिया है, कितना कलरफुल दिख रहा है। मिक्स होने के बाद वो एक जैसा दिखेगा। ये देखिए मैंने दूध लिया है, मैंने गुनगुना दूध लिया है और 1 कप से थोड़ा खाली है। तो चलिए हम इसके अंदर डालते जाएंगे दूध और ऐड करते जाएंगे।
मैंने इसमें जो मैदा लिया था दूसरी कटोरी का, ये भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ऐसे स्पेशुला से मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा दूध इसके अंदर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसके अंदर धीरे 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 से चलाते जाएंगे और उसके बाद अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अब हम इसको इकट्ठा करते हुए थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे क्योंकि ये बहुत कड़क हो गया है। अब हम हल्का हल्का देखे नीचे का रह गया थोड़ा सा, इसको मिक्स करते हुए अच्छे से हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं लेकिन मैंने सोचा इसको पहले मिक्स कर लूँ अच्छे से, उसके बाद फिर बीट करते हैं। ये रेडी हो गया, बस अभी इसकी वैसे पतला चाहिए इसका। ये देखिए ये एकदम सही है इसका, हल्का सा हम इसको पतला कर देंगे। जो दूध मैंने लिया था मैंने पूरा दूध इसके अंदर डाल दिया है, देखिए पूरा दूध इसके अंदर डाल दिया है। देखिए ये सही हो गया है, अब हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। अब मैं इसके अंदर बटर लगा दूंगी। आप जो भी से आपको चाहिए उस हिसाब से बर्तन ले लीजिए और इसके अंदर से बटर ले लीजिए, और अगर ब्रश से लगाना है तो ब्रश से लगा सकते हैं। मैं हाथ से लगाना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ, अच्छे से लग जाता है साइड साइड में। साइड में भी लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा जैसे आटा छिड़क देंगे। ये देखिए मैंने मैदा लिया है, अब मैदे को हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा। और इसको हर जगह ऐसे ऐसे धीरे धीरे लगा दीजिए। इस तरह से हर जगह, और ये जो बचा हुआ आटा है इसको हम किसी भी बर्तन में निकालेंगे। देखिए अब हम इसको टैप कर लेंगे, पूरी तरह फैला लेंगे और जो इसके अंदर बचा है उसको भी धीरे धीरे करके इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसके अंदर हम डालने के बाद टैप करने से क्या होता है कि इसके अंदर भाप नहीं बनती है। अब इसको हम ऐसे टैप कर देंगे बढ़िया से। अब इसको हम ओवन में रख देंगे पकने के लिए। ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्रीहीटेड होने के लिए रखा था और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हमारे केक पकने में 25 मिनट लगेगा तो हम 25 मिनट बाद में आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा केक बन के रेडी हो गया है और अब हम इसको हटा देते हैं। ये पक गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रेक आ गया है, इसका मतलब ये है कि ये पक चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप बीचों बीच डालिए, ये देखिए चक्कू में बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि ये पक गया है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं।
ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए केक हमारा, ये टिन हमारा ठंडा हो गया है और केक ने हमारा बर्तन को अपने आप ही छोड़ दिया है। देखिए साइड से अब हम इसको निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। कोई थाली ले लीजिए और थाली का ये उल्टा वाला साइड होना चाहिए साइड, क्योंकि हमें केक की आइसिंग भी करनी है। आप चाहें तो देखिए हमारा केक कितना अच्छा बनके रेडी हुआ है और कितना ऊंचा बना है और कितना मतलब एकदम सॉफ्ट बना है हमारा। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ऐसे दब जाएगा, एकदम सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इसकी आइसिंग करते हैं। पहले हम एक बर्तन में गर्म पानी रख देंगे और दूसरा बर्तन इसके ऊपर रखेंगे। देखिए नीचे पानी बॉईल होता रहेगा और हमारा चॉकलेट को हमें चॉकलेट बनाना है। तो पहले मैं बटर ले लूँगी, मैं करीब 75 ग्राम बटर ले लूँगी और इसके अंदर 2 चम्मच रिफाइंड डाल दूँगी। 2 चम्मच मैं इसके अंदर रिफाइंड ऐड कर रही हूँ। हमें बटर ऐसा चाहिए जो रूम टेम्परेचर पे हो। अब हम इसको पिघलने का वेट करेंगे। थोड़ा सा ही बटर बचा है हमारा पिघलने के लिए, तो हम साथ साथ इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे। अब हमारा बटर पिघलने के लिए थोड़ा सा ही बचा है, ये पिघल जाएगा बहुत जल्दी। मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। तो मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी बड़ा चम्मच से, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी ऐड किया है। अब चीनी और बटर को दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। एक चम्मच मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। अगर आप इस मिल्क पाउडर नहीं भी है तो भी हमारा चॉकलेट अच्छा बन जाएगा। बस धीरे धीरे ये पूरा पिघल के रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा चॉकलेट बन के रेडी हो गया है। अब इसका हम बना कर देखते हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब दूध डाला है और ये बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। कोन बना लीजिए, ये जो बटर पेपर है, बटर पेपर से ऐसा कोन बना के ऐसे टेप लगा लीजिए साइड साइड में और बस इसको अब गिलास में रखेंगे ऐसे इस तरह से। और देखिए अंदर दिख रहा है, मैंने छोटा सा होल है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चॉकलेट भर देंगे। इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे और पूरा नहीं भरेंगे हम, बस इतना ही रखेंगे। देखिए हम बड़ा सा हार्ट बना रहे हैं केक पे लगाने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही बनाया जाए। आप छोटा भी बना सकते हैं, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। बहुत आसानी से चॉकलेट से बन जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा हार्ट, छोटा हार्ट या फिर कोई कुछ और बनाना चाहते हैं, किसी का नाम लिखना चाहते हैं, वो सब हो जाएगा इसमें। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने बीटरूट से केक बनाया था लेकिन मेरा केक लाल नहीं हुआ, कलर नहीं आया इसके ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इसके ऊपर अब
जो हम चीनी का पानी बनाते हैं, चीनी और पानी का घोल डालूंगी इसके ऊपर ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे भी हमारा केक बहुत सॉफ्ट है, और अगर हल्का मीठा नहीं भी होगा तो भी इससे मीठा हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम आइसिंग लगाएंगे। आइसिंग बना, ये आइसिंग बनाना मैंने बताया है वीडियो में, मैं पहले भी केक का वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया है आइसिंग कैसे बनाना है। शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आइसिंग बनाना बताया है आप सबको, तो आप प्लीज़ उसमें से देख लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बस इसको कुछ नहीं करना, बस ये क्रीम आता है पैकेट में और उसके उसको बस फेंटना है हमें है हैंड ग्राइंडर से, तो वो एकदम मतलब फूल के एकदम ऐसे हो जाता है। और ये इसको टेढ़ा करने से भी ये गिरता नहीं है, एकदम अपनी जगह पे टिका रहता है। तो मैं अभी अपनी आइसिंग को लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे। तो आप 2 चम्मच ले लीजिए और इसको एक ऐसे बटर नाइफ के सहारे आप इसको एकदम आराम से पूरा फैला लीजिए। चारों तरफ अच्छे से फैला लीजिए। हाँ, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स या फिर जैम्स वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने मैंगो जैम लिया हुआ है, इसको थोड़े थोड़े जगह पे ऐसे डालते जाएंगे, बस इसको फैलाना नहीं है, इसे थोड़ा थोड़ा डालता जाना है, इसमें इसका फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। ऐसे आप मैंगो जैम हो या कोई भी जैम आप डाल सकते हैं, या फ्रूट डाल कट करके डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर कोई क्रीम लगाने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कुछ डालने का। और अब मैं अपना ये जो केक का है इसको मैं इस पर रख दूँगी। मैंने इसको उल्टा करके रखा है क्योंकि ये साइड सेट करना अच्छा रहता है। इसके ऊपर अगर छिलका इसका कवर लगा हुआ है तो जैसे ये है साइड वाला, ये लगा हुआ है तो इसके ऊपर क्रीम अच्छे से बैठती नहीं है। तो मैं इसके ऊपर शुगर का पानी जो है वो इसके ऊपर डालूँगी। अब इसके ऊपर आइसिंग जो हमने बना रखी है ये ले लेंगे। और उसको अच्छे से हम फैलाएंगे। अच्छे से पूरा साइड से लगाना है। पूरा ऐसे लगा लेना है। अगर एक बराबर करना है तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले क्रीम पूरा लगा लीजिए अच्छे से। अब हम साइड में लगाएंगे। क्रीम कम लग रही है तो और लगा लीजिए। और एक बराबर करते जाइए। चलिए अब हम साइड में लगा देते हैं। बस ऐसी तरह से आप इसे बनाते जाइए, छोटा सा पतला पतला डिजाइन। और इसके ऊपर हम हार्ट लगाने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी आइसिंग हो गई है ऊपर की। अब ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है, अब हम इसको निकालेंगे। निकालने से देखिए हमारा ये चॉकलेट सूख गया है, और ये चॉकलेट भी हमारा सूख गया है, अब हम इसको निकालेंगे। देखिए हमारा एनिवर्सरी केक बन के रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है आपको हमारा एनिवर्सरी केक? शायद आपको थोड़ा पसंद आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।